हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? सो पता नहीं कौन से वीडियो का क्या इंट्रो है ये, बट जस्ट लाइक तुम लोग एक्सटेंडेड फैमिली जैसे हो, ता भाई मानते हो. सो वेट कट नहीं हो पा रहा है एंड कल है कंपटीशन, 11 बजे वज़न देना है. सो मैंने ये यूएफसी में देखा है काफ़ी, कि हॉट शावर गर्म पानी से नहाते हैं एंड फिर ये अपने आप को रैप करते हैं. देखता हूँ इससे कुछ होता है कि नहीं. अभी जो वज़न है वो है 95 और करना है 93 के नीचे, 92.99 भी चलेगा. लेट्स सी, फाइट करते रहूँगा. अभी हॉस्पिटल भी गया था, हॉस्पिटल में पानी चढ़ाने बोल रहे थे ग्लूकोज की, मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी बहुत ये वो. मैंने बोला बस एक दिन रुक जाओ, कल आके सब कुछ करा लूँगा, बस एक दिन ये वेस्ट नहीं करना मेरे को, ग्लूकोज मत चढ़ाओ प्लीज़. सो मैंने अपने आप को ऐसे कवर अप करके रखा है, कुछ भी हो जाए रात को सोने तक 94 करना है यार. पापा मम्मी का कॉल आ गया था, अभी परेशान हो रहे. मैंने स्टोरी डाल दी थी ना हॉस्पिटल की, तो वो देख के कॉल कर रहे थे. तो एक चीज़ क्या नहीं देखी, मैं अपने लाइफ में बढ़िया पोजीशन पे हूँ ताकि मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं अंदर से ना खुद को एक एथलीट मानता हूँ. तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि मतलब इन्फ्लुएंसर है तू, बढ़िया चल रही है जो भी चल रही है. इस चीज़ में जो मज़ा है ना, इस चीज़ में मुझे जो मिलता है सुकून, वो कहीं नहीं मिलता है. तो ये सफरिंग भी मुझे अभी मज़े के तरीके से लग रही है, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे. ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था 95 पे खेलना. मे बी इट वॉज़ अ रॉन्ग डिसीजन. मैं चाहता था कि 95 पे खेलूँगा, 2-3 किलो वाटर वेट करूँगा. मेरी बॉडी यहाँ पे अकस्टम नहीं हो रही है, वाटर छोड़ नहीं रही है. पता नहीं इतना ट्रैवल किया क्या किया. और एक और गलती थी मेरी, कि 2-3 दिन पहले एक चीट मील ले लिया था घर से निकलने से पहले. उसके कारण, और क्योंकि उसमें सोडियम होगा वो वाटर होल्ड कर रहा है. ठीक है, बट विल फाइट. बस कॉम्प में इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और फाड़ना है कॉम्प में, अच्छा वेट उठाना है, जो सोच क्या है वो मार के जाना है. कभी भी आप कंपटीशन खेलने जाते हैं तो आपको अपना जो भी आप यूज़ करेंगे लिफ्टिंग में, वो आपको जजेस को पहले दिखाना पड़ता है जब आपका वज़न होगा. तो ये मेरे दो जूते हैं, एक डेडलिफ्ट वाले एक स्क्वाट वाले, और ये रहा वेट. फ़ोन के साथ ले रहा हूँ अभी, तो फ़ोन के साथ 93.5 आ रहा है, ऐसे 92.8 आ रहा है. और ये मेरा नी स्लीव हो गया, ये रिस्ट स्ट्रैप, और ये मेरा सिंगलेट, सिंगलेट भी दिखाना पड़ेगा, ये बेल्ट. तो यही सारी चीज़ आप कंपटीशन में यूज़ कर सकते हैं, और बाकी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते जो आपने वहाँ पे लिखाया है, क्योंकि वो लिखेंगे, वो टिक करेंगे. तो ये सारी चीज़ें अभी लेके जानी है. अभी वेट होगा 11 बजे, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे रहेंगे खाने को. 1 बजे कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटे है. तो मैंने अपने एक आ जा. हाँ, इसका बैक कौन सा है? अमन का मन का दिस वन, ब्लैक वन. नहीं, छोटा वाला हाँ, छोटा वाला वो कर ले, ले शूट. हाँ, पता है मैं क्यों बोलता हूँ यू गाइज आर माई फैमिली, हेलो फैमिली, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो फैमिली वाली चीज़ तुम लोग करके देते हो. यहाँ पे मतलब मेरे को एक बंदा मिला, उसने मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, कौन करता है. और उसके बाद आज उसने बोला कि आप खाना खरीदने मत जाना, बिकॉज जब 11 बजे वेट होगा तो मेरे को बहुत सारा चीज़ खरीदना पड़ेगा. उसने बोला मैं खरीद के लेते आऊँगा. तो ये कौन करता है? छोटा भाई बड़ा भाई यही करता है ना. तो यही है यार, तुम लोगों ने इतना बहुत बाहर मिलके इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, तभी लगता है कि हाँ ये वीडियो के थ्रू भी वो बॉन्डिंग बन रही है. सो लेट्स गो, 3 आवर्स मोर. सो गाइस, वज़न दे दिया है, 92.7 kgs आया है. अब से 1-1.5 घंटे का रेस्ट है. अभी 1-1.5 घंटे में ही खाना है. नारियल पानी 2-3 पिया, ये पूरा जूस पिया, पानी अभी नहीं पिया है. तो बहुत सारे लोग जो वाटर वेट कट करते हैं, सीधा पानी मत पियो, पहले नारियल पानी, फिर कोई जूस जिसमें जो शुगरी हो, थोड़ा थोड़ा कार्ब्स हो. एंड तो ये है, एंड उसके साथ 2 केले. अब मैं थोड़ा कार्ब्स, चावल, नमक, क्योंकि नमक बॉडी में कम है अभी, एंड उसके साथ पानी पीऊँगा. सो एक स्ट्रैटेजी है. सो लेट्स गो, 1 घंटे और. सो गाइस, 2 दिन बाद खाना खा रहा हूँ. 2 दिन, 2 दिन पहले अमन के घर पे आखिरी खाना खाया था, ये केरला का चिकन बिरयानी. अभी खाने की वैल्यू पता चल गई इन 2 दिनों में, बट एक एक बूंद वेट कम करना था. कैसे कैसे किया है, मज़ा आने वाला है. हाथ से खाऊंगा मैं. ऑल सेट, नहा लिया है. ज़्यादा खाना नहीं खाते है. बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, इतने दिन से खाना नहीं खाया तो. और लौंडे डिप्रेशन का राज उसकी वीडियो में देख लेना, अमन लिफ्ट्स है ना. सो चलते हैं.
मेडल लेके आएंगे. लेट्स गो. यस बेबी यस. लेट्स गो. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Good luck.
तो ये जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट 162.5 मारा, क्यों खुश था मैं, क्योंकि मेरा ये नेशनल रिकॉर्ड बना है। 160 किलो है मेरे कैटेगरी में बेंच प्रेस का रिकॉर्ड, मैंने 162.5 लिफ्ट किया है और इसमें मैं गोल्ड मेडल लेके आया, फर्स्ट हुआ बेंच में। और इसके बाद डेडलिफ्ट था और डेडलिफ्ट के लिए जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था उसमें कहानी कुछ अमन भैया। तो गाइज ये डेडलिफ्ट की पहली अटेम्प्ट थी एंड क्या हुआ कि मैं जज को देख रहा था, तो जज को देखने के चक्कर मैंने ये फेल किया है। मैंने जज को देखा, उन्होंने ऐसे थोड़ा सा डाउन ऐसे कुछ किया, मैंने हल्का डाउन लाया, फिर उन्होंने अप कर दिया हाथ, तो मैंने अप लेके चला गया। बट ये अलाउड नहीं है, आप हल्का भी नीचे बार को बीच में नहीं ला सकते, तो डिपिंग मूवमेंट के कारण इसको नो लिफ्ट दिया। यहां से मेरे ऊपर गंदा प्रेशर बनते गया, मेरी हार्ट बीट मेरे को आवाज आ रही थी और ऐसे में लिफ्टिंग कभी नहीं होती। तो यही है, इस चीज ने मेरे को दिखाया कि ये तेरा पहला कंपटीशन है, तू अभी भी पावर लिफ्टिंग में एक बच्चा ही है, क्योंकि तू इतना नर्वस हो रहा है, तू अभी प्लेटफॉर्म जाने से पहले तेरी हार्ट बीट इतनी धक धक कर रही है, तू लिफ्ट कैसे करेगा। तो अभी बहुत वो सीखना है मेरे को एटमॉस्फेयर, पहला कंपटीशन था इसके लिए। इसके बाद 285 लिया और ये हम सेकंड प्लेस के लिए फाइट कर रहे थे, क्योंकि पहला वाला बंदा थोड़ा आगे निकल गया था, तो सेकंड प्लेस की फाइट थी ये ओवरऑल। और सीधा सीधा अमन ने मेरे को बोला 285 है, ये करेगा मेडल मिलेगा सेकंड, नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 285 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और देखिए 285 में क्या हुआ। भाई सिंगल जीतता है, तुम्हारा भाई वीडियो बनाता है इसके लिए, भाई कैसा लग रहा है? आउट ऑफ द वर्ल्ड यार, मेरी मैं खत्म हो चुका था, मैं डेड हो चुका था, मैं बैठा हुआ था, मैं पता ही क्या क्या सोच रहा था, मैं तुम लोगों से क्या बोलूंगा कि मैंने 285 फेल की, भाई वीडियो डालने मन नहीं कर रहा था। इसको मैंने सिर्फ एक चीज बोली, मैंने कहा भाई तेरे लिए कुछ नया नहीं है, तू ऐसे करता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज करता है। इसने बोला कि तू इसलिए यही है कि तू आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज करता है, लास्ट में मजा दिलाता है, और इसने बस बोला पावर लिफ्टिंग मेंटल गेम है। सब यहाँ है भाई, मैं अपने वीडियोस में, चल प्रमोशन नहीं वैसे ही बहुत बार बोल चुका हूँ, सब यहाँ है भाई। मैंने इस बार टेक्निक में भी कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला उठा बस उठा दे। सेकंड
वीडियो देखोगी ना तो पागल हो जाओगी। मैंने शुरू के दोनों नहीं उठा पाया और आखिरी में एक लास्ट चांस था तीसरे में जाके उठाए। सौरभ कुमार सिंह जा खुद ही पहन लिया कम बोलता हूँ मेरी कमेंट्री आ जाए इसमें। वेल डन सौरभ। नहीं किसी अबे पागल है क्या इसको बिना राजू एमपी ऑफ कर्नाटक भाई बबुला समन उड़ीसा भाई की जान बचाई इस लड़के ने इसको बना दे बना दे यार भाई अपना अरे कैसी बात कर रहा है ये है आज की वीडियो और यहीं पे आई थिंक इस नेशनल का जर्नी खत्म होता है। बट दो चार चीजें जो मेरे दिमाग में है, एक तो मेरे को अभी लगता है ना कि मैं कोई भी काम करता हूँ ऊपर वाला मेरे साथ रहता है, मुझे सच में लगता है। क्योंकि हर कंपटीशन में देखो कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, जैसे मैं बाहर हो जाता हूँ और फिर मैं आके निकाल लेता हूँ। तो मेरे को अभी लगता है द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज़ विथ मी और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मे बी ये बिग बिलीफ ही है बट ये बिलीफ होना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़रूरी है। और अभी तो बहुत इम्प्रूव करना है। 700 किलो का टोटल रह गया, नहीं हो पाया। 687.5 ही हुआ। डेडलिफ्ट 300 की नहीं हुई। मैं बहुत फटीग हो गया था, थक गया था काफ़ी। मुझे और एक चीज़ समझ आई कि जिम में एसी में जाके वेट मारना, खा के अच्छे से हाइड्रेट होके और यहाँ पे कंपटीशन में इतने लोग इतना प्रेशर उसमें वेट मारना। बट तुम लोगों ने यहाँ भी ऐसे साथ दिया ना। जब मैं तीसरी लिफ्ट करने गया डेडलिफ्ट की 285, हार चुका था मैं, ख़त्म हो चुका था। जो आवाज़ आई ना ऑडियंस की तरफ से, जो एकदम चिल्लाया आपने देखा, वो उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। वो एक सेकेंड भी काफ़ी था हिम्मत देने के लिए। और अमन भाई के लिए क्या ही बोलना इस वीडियो के एंड में। वो तो मतलब आप लोगों ने ही देखा, आपको ही पता है कि कैसे सपोर्ट किया है, क्या किया है। मतलब मुझे कभी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मुझे पता था। और मैं अंधा ट्रस्ट करता था। मैं कॉम्प से पहले भी एक बंदे को बोल रहा था कि हैंडलर कितने ज़रूरी है। मुझे एक बंदा है बट मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है, तो मैं सोचूंगा ही नहीं कॉम्प के बारे में। तो पावर लिफ्टिंग एक टीम गेम है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आपके एक दो दोस्त होने चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं एंड वो प्यार से ही वो अपना कंपटीशन मान के आपकी कंपटीशन कराएंगे। अभी मुझे और मेहनत करना है। जो फर्स्ट आया ना बंदा वो काफ़ी अच्छा है। डेडलिफ्ट 310 की उसने, स्क्वाट भी 250 प्लस। तो जो अच्छे एथलीट्स हैं वो 4-5 साल से कर रहा है, रेस्पेक्ट हिम। और मुझे अभी अगले 3-4-5 महीने टाइम देके पूरा मेहनत करना है, डेडलिफ्ट की टेक्निक सही करनी है। क्योंकि ये जो लास्ट लिफ्ट भी 285 है ना, मैंने बस विल पावर से खींचा, 270 फेल हुई, 285 फेल हुई, देन मैं गिव अप कर चुका था ऑलमोस्ट। मेरे दिमाग में रोना, मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल आने लगे थे। बस फिर लाइक अमन ने आया, होप दिया, सबने बोला, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। मैंने बोला ये तो ये लिफ्ट डू अ डाई है भाई, यहाँ अगर तूने नहीं किया ना, तेरे कैरेक्टर का टेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पावर लिफ्टिंग को ऐसा प्यार मिलेगा। मैं हमेशा देखता था बॉडी बिल्डिंग वगैरह को प्यार मिलते हुए, बट पहली बार ऐसा मुझे दिख रहा है पावर लिफ्टिंग को इतना प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्कूल से एक सपना था कि एक एथलीट बनना है, एक एथलीट की तरह फेमस होना है।
जब मैं YouTube भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे को हमेशा मैं अपने दोस्तों से कहता था कि मेरे को यार एक एथलीट वे में लोग जाने ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उनकी अलग ही इज्जत होती है, अलग इज्जत करते हैं लोग। यूट्यूबर तो चलो ठीक है, बट एथलीट का फ़ैन बहुत दिल से होता है कोई। तो थैंक यू सो मच, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक एथलीट हूँ और अच्छा करूँगा आगे। आई लव यू ऑल, बाय। और अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू ऑल, बाय।